ठीक है, ये प्रोसीजर है बस। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों मैंने रखे हैं, और उन क्वेश्चंस के सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी मैंने आपको रखे हैं, ताकि आप हैबिचुअल हो जाए कि हमें ऑप्शन में इनमें से कोई भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न हमें दिया है हिरण भेड़िया प्राणी। ठीक है, क्या दे रखा है? हिरण भेड़िया और प्राणी। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्राणी जो होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, हिरण में भी प्राण है, भेड़िए में भी प्राण है, पर वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और इस तरीके का डायग्राम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों? कौन से नंबर वाला डायग्राम आ जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, तहसील जिला और पंचायत। तहसील जिला और पंचायत, जिले के अंदर तहसील होती है ना, जिले के अंदर क्या होती है दोस्तों? तहसील होती है, और तहसील के अंदर क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, गांव, जिसमें पंचायत होगी। ठीक है, तो जिला बड़ा वाला हो गया, उसके अंदर तहसील, और फिर गांव में होती है पंचायत। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों, और इस तरीके का डायग्राम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से ढूंढ कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डाल देता हूँ, सही ज़्यादा सही रहेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, 4, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। औषधि पुरुष और चिकित्सक, औषधि पुरुष और चिकित्सक, औषधि पुरुष और चिकित्सक क्या आएगा भाई? औषधि, ठीक है, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो चिकित्सक हो सकते हैं, पर औषधि तो अलग ही हो गई ना अपने आप में, औषधि तो अलग ही हो जाएगी। यानी कौन सा डायग्राम बनेगा इसके लिए? आई वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, कौन सा आई डायग्राम बनेगा दोस्तों? आई डायग्राम बनेगा। सभी लोग जल्दी से बता दे, तुरंत बता दीजिए। चलिए बनेगी। नेक्स्ट अगला देखिए, फटाफट से देखिए, पक्षी तोता और चिकित्सक, पक्षी तोता और चिकित्सक, पक्षी तोता और चिकित्सक। तो तोता क्या है? पक्षी है। तोता एक क्या है? पक्षी है, और चिकित्सक अलग हो जाएगा। तोता क्या है? एक पक्षी, और चिकित्सक अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इसका डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा? ई डायग्राम बनेगा। मिसिसिपी नदी, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको भी अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इनको कर लेते हैं। जो आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको अभी अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उसको समझाने के लिए अभी ज्योग्राफिकल फिगर आपको बताना पड़ेगा। आवर्स, डे और माउंटेन। ठीक है, घंटे, दिन और महीना। तो आप सभी लोग जानते हैं, घंटों से मिलकर दिन बनेगा, और दिनों से मिलकर महीना बनेगा। ठीक है, तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे। दूरदर्शन का माध्यम टीवी कार्यक्रम और विज्ञापन, दूरदर्शन का माध्यम टीवी कार्यक्रम और विज्ञापन बताइए भाई। दूरदर्शन का माध्यम, टेलीविजन चैनल्स जो हैं, टेलीविजन चैनल्स पर टीवी प्रोग्राम आते हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी आती है, सही है? क्लियर है कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है भाई। देखो इधर, टेलीविजन चैनल, टीवी प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट। तो दूरदर्शन का माध्यम टीवी कार्यक्रम और विज्ञापन क्या बनना चाहिए? विज्ञापन भी आते ही हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, है ना? विज्ञापन भी आएंगे ही, बनाओ क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर डी आएगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सी आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ए आएगा। सारे टीवी के प्रोग्राम जो हैं वो जितने भी टीवी के चैनल्स हैं उन पर आएंगे भाई। ऑब्वियस टीवी के प्रोग्राम तो किस पर आएंगे? टीवी के चैनल पर ही आएंगे ना, थोड़ी अक्कल तो लगाओ भाई। टीवी के कार्यक्रम जो हैं, टीवी के कार्यक्रम जो हैं वो टेलीविजन चैनल पर ही आएंगे ना, हैं? टीवी प्रोग्राम तो किस पर आएंगे? चैनल पर ही आएंगे भाई, ऑब्वियस ही बात है। टीवी प्रोग्राम किस पर आएंगे? चैनल पर ही आएंगे, पर कुछ ही होंगे जो उनके बीच में विज्ञापन देंगे, प्रोग्रामों में हम विज्ञापन देंगे। ठीक है, कुछ रेडियो पर भी देंगे, कुछ न्यूज़पेपर पर भी देंगे, सारे विज्ञापन हम टीवी प्रोग्राम में थोड़ी ना देंगे। ठीक है, सोचने वाली बात ना, नहीं ना, थोड़े बहुत देंगे, थोड़े बहुत देंगे। तो आंसर कौन सा बनेगा? जी बनेगा ना। कौन सा बना इसका आंसर? जी। धूम्रपान करने वाले इंजीनियर और धूम्रपान ना करने वाले,
ये इंजीनियर ले लिए हमने, अब इंजीनियरों में आधे इंजीनियर हमने ले लिए धूम्रपान करने वाले, आधे इंजीनियर ले लिए हमने धूम्रपान ना करने वाले, सही है। ये इंजीनियर्स उसमें आधे हैं धूम्रपान करने वाले, आधे ले लिए धूम्रपान ना करने वाले, धूम्रपान करने वाले और फिर धूम्रपान ना करने वाले ये हमने ले लिए, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बनना चाहिए, और इस तरीके का डायग्राम अगर नहीं दे रखा है तो फिर वो आपको ऐसा देगा डायग्राम कि कुछ इंजीनियर जो है धूम्रपान कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं। अगर ये डायग्राम नहीं दिया है तो ये डायग्राम देगा, ठीक है। स्त्री माँ और बच्चे, स्त्री माँ और बच्चे, मदर चाइल्ड और वुमेन। देखिए दुनिया की जितनी भी माएँ हैं वो सारी की सारी क्या है, वुमेन है। दुनिया की जितनी भी माँ हैं, दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सारी की सारी कौन है, वुमेन है। अब बात आती है चाइल्ड की, सही है। चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार चाइल्ड स्त्री हो सकती है ना, वुमेन, ठीक है। इन्फेंट होता है यहाँ पर, तब बात समझ में आती है कि इन्फेंट का मतलब भी क्या होता है, बच्चे छात्र होते हैं, यही तो क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, भाई दुनिया की सारी माएँ वुमेन हैं ये तो क्लियर है, पर ये अब बात आती है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन, कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर मेल फीमेल लिखा होता ना, यहाँ पर क्या लिखा होता, मेल या फीमेल, तब अपन कह सकते थे चाइल्ड का कि हाँ कुछ मेल हैं कुछ फीमेल, लेकिन यहाँ पर बताना चाह रहा है कि दुनिया की सारी मदर्स जो हैं वो वुमेन हैं, पर बच्चे, बच्चे वुमेन नहीं है ना, बच्चे वुमेन नहीं है। वुमेन किसको बोलते हैं अपन, ठीक है, वुमेन यानी कि स्त्री, स्त्री प्रजाति में सारी माएँ आ जाएगी, बच्चे सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं आएंगे, थोड़े आएंगे अपन कह सकते हैं, सही है। नहीं सारे नहीं आएंगे, थोड़े तो आएंगे, थोड़ी तो गर्ल होंगी ना उनमें, सही है। तो कौन सा बनेगा, एफ होगा। भोजन मूली और सब्जी, तो भैया मूली की सब्जी भी बनती है और वो भोजन में हम प्रयोग करते हैं, तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत आ गए, सारे एक दूसरे के अंतर्गत आ गए, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये पांचों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाइए, बनाओ। सारे बन गए फटाफट से, 15 तक बना लेने पूरे आपको एक बार।
बनाइए। देखिए घर टेबल और लालटेन, घर टेबल और लालटेन, तो देखो इधर टेबल लालटेन और घर है। देखो लालटेन अलग चीज है, होम अलग चीज है, टेबल अलग चीज है। अब आप ये लॉजिक मत लगा लेना कि घर के अंदर तो टेबल भी होती है, घर के अंदर तो लालटेन भी होगा, है ना, कि कुछ टेबल होंगे जो घर के अंदर होंगे, कुछ लालटेन होंगे जो घर के अंदर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीनों चीजें तो अलग अलग है ना, यही कंफ्यूजन होता है, तीनों चीजें अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। फूल कपड़ा और लाल, तो देखिए फूल कपड़ा तो हो नहीं सकता, पर लाल कपड़ा भी हो सकता है, लाल फूल भी हो सकता है, लाल कपड़ा भी हो सकता है, लाल फूल भी हो सकता है, इसलिए इसका डायग्राम क्या बनेगा, सी बनेगा। पति पत्नी और परिवार, परिवार किससे मिलकर बनता है, पति और पत्नी से, तो पति पत्नी हैं तो दोनों अलग अलग ना, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, डेट मीन्स डी ऑप्शन डायग्राम। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज एक तरीके का चतुर्भुज ही है, और चतुर्भुज सारे किस में आएंगे, बहुभुज में आएंगे, तो सारे भैया इस तरीके का डायग्राम बन गया, यानी इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। मित्र, पथ प्रदर्शक और अभिनेता, फ्रेंड जो है वो स्ट्रीट वॉकर हो सकता है और वो एक्टर भी हो सकता है और वो कुछ कुछ उनमें कॉमन भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हॉबीज से रिलेटेड चीज़ें हो गई, यानी इसका डायग्राम जो बनेगा एच डायग्राम बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों फटाफट से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 उड़ा दो गोली की स्पीड से, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए जल्दी से बनाइएगा दोस्तों, तुरंत प्रभाव से बताइएगा क्या बनने वाला है, डू फास्ट। बनाओ, पर्वत जंगल और पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या है, पर्वत है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता, वो कहते हैं कि जंगल और पर्वत अलग अलग है, जी नहीं, कुछ पर्वतों की श्रृंखला इतनी बड़ी है जिस पर जंगल बस गए हैं। आपने देखे होंगे माउंटेन पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लग गए और वो जंगलों में विकसित हो गए, ठीक है, और कुछ जंगल ऐसे होंगे जिन पर, जिनके अंदर पर्वत होंगे, ठीक है, तो दोनों चीजें होंगी, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए तुरंत प्रभाव से फटाफट से, ठीक है। माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ, तो दोस्तों आप लोग देखिए ये अर्थ है, कुछ जंगल इतने बड़े हैं जिनमें पर्वत हैं, कुछ पर्वत इतने बड़े हैं जिनमें जंगल बन गए हैं, तो डायग्राम ये बनेगा, सबसे सूटेबल बेस्ट डायग्राम तो यही होगा, और ये अगर ना दे रखा हो तब आप कह सकते हो कि हाँ डी वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें सारे डायग्राम दे रखे हैं, हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो हम सारी चीज़ें एकदम सही सीखना चाह रहे हैं कि वास्तव में इसका डायग्राम क्या होगा। महिला, माँ और डॉक्टर, दुनिया की सारी माएँ कौन हैं, महिलाएँ हैं, और उनमें से कुछ ही ऐसी होंगी जो डॉक्टर होंगी, ठीक है, कुछ ही ऐसी होंगी जो डॉक्टर होंगी, यानी इसका डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, जी बनेगा। संगीतज्ञ, वाद्य वाद्य शास्त्रीय, वायलिन वादक, संगीतज्ञ म्यूजिशियन, अरे जो वायलिनिस्ट हैं या ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं तो वो सारे म्यूजिशियन तो हैं, तभी तो बजा पा रहे हैं, उनको म्यूजिक का ज्ञान है तभी तो वो बजा पा रहे हैं, लेकिन वायलिनिस्ट जो है बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ वायलिनिस्ट जो ऐसे हैं वो ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। म्यूजिशियन, वाद्य शास्त्री, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में वायलिन वादक हो जाएगा, सारे एक दूसरे के अंतर्गत आ जाएंगे, जितने दुनिया के जितने भी वायलिन वादक है वो क्या है, मान लो ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत आ गया, और ऑर्केस्ट्रा किस में, म्यूजिशियन में आएगी, सही है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे। प्रोफेसर आदमी और डॉक्टर, कुछ आदमी ऐसे होंगे जो डॉक्टर हैं, और भाई साहब कुछ आदमी ऐसे होंगे जो डॉक्टर भी हैं और वो कहीं लेक्चर भी दे रहे हो, यानी कि वो प्रोफेसर भी हो, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, एच बनेगा, इसका आंसर बनेगा एच। चलो इसको देखो, विद्यार्थी, लड़के, खेल कूद वाले, स्पोर्ट्स पर्सन, तो दुनिया के सारे लड़के स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, पर कुछ लड़के होंगे जो स्टूडेंट होंगे और वो खेल कूद करना भी जानते हों, स्पोर्ट्स पर्सन भी हों, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, एच इसका आंसर बन जाएगा, फिर से हॉबी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चे थम्सअप कर दें तुरंत प्रभाव से, 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, डू फास्ट दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा प्रश्न करने हैं, जल्दी बनाइए फटाफट से, तुरंत बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25,
महिलाएं पुलिस और वकील, वुमेन पुलिस और लॉयर, महिला पुलिस और वकील, पुलिस और वकील दो अलग अलग प्रोफेशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस लॉयर हो जाएगा, जी नहीं। ठीक है, तो वुमेन पुलिस भी हो सकती है, वुमेन लॉयर भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा इसका? सी डायग्राम बनेगा, सी बनेगा। चलो इसको देखना, शिक्षित लोग, बेरोजगार और अध्यापक, शिक्षित लोग, बेरोजगार और अध्यापक, एजुकेटेड पीपुल, अनएम्प्लॉयड और टीचर्स, शिक्षित लोग, बेरोजगार और अध्यापक। तो शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं, पर सारे शिक्षित लोग बेरोजगार हों ऐसा तो हो नहीं सकता, और अध्यापक, अध्यापक तो बेरोजगार नहीं हो सकता ना। कुछ शिक्षित लोग जो हैं, कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। टीचर, कुछ टीचर जो हैं, कुछ टीचर, टीचर तो हैं तो सारे ही शिक्षित हैं। अरे टीचर अगर आ गया तो टीचर तो सारे ही शिक्षित हो गए भाई साहब। भाई सारे टीचर क्या होंगे? शिक्षित होंगे, और कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार होंगे भाई साहब। ये डायग्राम बनेगा, सोच समझ के दीजिएगा जवाब, ठीक है। तो कौन सा बनेगा? एफ बनेगा इसका डायग्राम। क्या कहते हो दोस्तों, एफ इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? चलिएगा, मैमल्स, मैन और लीजार्ड। अब क्वेश्चन चालू हो रहे हैं भाई साहब धमाकेदार। मैमल, मैन और लीजार्ड, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, मैन जो होता है मनुष्य जो है, ठीक है, वो क्या है? मैमल ही तो स्तनपाई है। वे जानवर जो अंडे नहीं देते हैं वो स्तनपाई होते हैं। वे जानवर जो अंडे नहीं देते और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल हैं। छिपकली, लीजार्ड, लीजार्ड जो है मैमल नहीं है, वो सरीसृप में आती है, ठीक है। भले से उसके आगे का भाग उठा होता है लेकिन वो रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है। तो सरीसृप में कौन कौन आता है? कछुआ, मेंढक है ना, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, ये सब किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। इनके शरीर का आगे का भाग टच होता है, गिरगिट, ठीक है। चलो आगे देखो, रैबिट, केट, पैट, कछुआ भी, दोस्तों कछुआ भी आप सरीसृप में लोग, रैबिट, केट और पैट, खरगोश, बिल्ली और पालतू। तो खरगोश और बिल्ली, क्या दुनिया के सारे खरगोश पालतू हैं क्या? क्या दुनिया की सारी बिल्लियां पालतू हैं क्या? कुछ जंगली भी तो होंगी, ठीक है। तो कुछ कुछ ही बन पाएगा इसमें। आगे देखो, अनमेरिड टीचर एंड फादर, अनमेरिड टीचर एंड फादर, ठीक है। तो देखिए, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो फादर हैं, और अनमेरिड की अगर मैं बात करूं तो अनमेरिड टीचर हो सकते हैं, पर फादर को फिर अनमेरिड की कैटेगरी में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अगर फादर है तो इसका मतलब वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, ठीक है। अनमैरिड टीचर्स ले सकते हैं, अनमैरिड टीचर हो सकता है, टीचर फादर हो सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला देखेंगे कितने हो गए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, जल, थल और कछुआ। तो कछुआ जल और थल दोनों पर रह सकता है, उभयचर है भाई साहब। तो कछुआ भाई साहब जल और थल दोनों पर रह सकता है। आज जे वाला डायग्राम बनेगा, सोच समझ के जवाब देना। कछुआ जल और थल दोनों पर रह सकता है। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, याद रखिएगा, आप लोग जानते हो पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए कॉमन कौन आ जाएगा बीच में? चंडीगढ़, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा? जे बनेगा। जल्दी जल्दी से उड़ा दीजिए फटाफट से, गोली की स्पीड से दोस्तों, तुरंत प्रभाव से बता दीजिए क्या बनने वाला है। मरकरी, मेटल और जिंक, मरकरी, मेटल और जिंक, पारा, धातु और जिंक। तो आप सभी लोग जानते हैं पारा भी धातु है, जिंक भी क्या है? धातु है, ठीक है। पर दोनों अलग अलग है ना, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रह, पृथ्वी तो ग्रह है, चंद्रमा ग्रह थोड़ी ना है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा? ई ऑप्शन। तारा, सूर्य और ग्रह, सूर्य क्या है? एक तारा है, याद रखिएगा, सूर्य क्या है? एक तारा है, स्टार है, और ग्रह अलग चीज हो गई। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा भाई साहब? इसका डायग्राम क्या बनेगा? ई ऑप्शन डायग्राम बनेगा इसका। लीजिए अगला देखिए, कितने हो गए? 30। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35। डांसर, सिंगर और स्टूडेंट, डांसर, सिंगर और स्टूडेंट, दोस्तों
डांसर, सिंगर और स्टूडेंट क्या बनेगा? स्टूडेंट डांसर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट सिंगर भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हों जो दोनों ही हों, डांसर भी हों सिंगर भी हों। तो हॉबीज से रिलेटेड हो गया ना ये, किससे रिलेटेड हो गया दोस्तों? ये हॉबी से रिलेटेड हो गया, कुछ कुछ तीनों में कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? एच बनेगा, है ना। एनिमल, बर्ड और लिविंग। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई साहब। सजीव, जंतु, पक्षी। अब भैया पक्षी, बहुत सारे लोग कहेंगे बर्ड एनिमल, बर्ड एनिमल थोड़ी है सर, जानवर थोड़ी है। तो बर्ड क्या है फिर? क्या है बर्ड? साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, एक तो प्लांट, ठीक है, और एक एनिमल। सही है, तो प्लांट में सारे प्लांट आ गए, तो एनिमल में सारे एनिमल आ गए ना, उड़ने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले। सभी लोग फटाफट से जल्दी से थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से, जल्दी बताइए फटाफट से। एनिमल, बर्ड और लिविंग। तो देखिए इधर सारे लिविंग एनिमल है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पौधे भी लिविंग है पर वो एनिमल नहीं है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, ये लीजिए, बर्ड, बर्ड जो है वो लिविंग भी है और वो एनिमल में भी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? जे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, शब्द, पैराग्राफ और पृष्ठ। ठीक है, वर्ड से मिलकर पैराग्राफ बनेगा और पैराग्राफ से मिलकर पेजेस बनेंगे। ऑब्वियस ही बात है, पैराग्राफ लिखते जाओगे तो भी पेजेस बनते जाएंगे। सही है, तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए, ए ऑप्शन। पुलिस, चोर और अपराधी। तो चोर एक तरीके का क्या है? अपराधी है। और पुलिस जो है बाहर हो गया भाई साहब सर्कल के, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? ई ऑप्शन बनेगा। बेटा, पिता और पुरुष। तो दुनिया के जितने भी पिता हैं वो कौन है आखिर? पुरुष तो हैं ही। सही है, क्लियर है। और वो किसी का बेटा भी हो सकता है, वो किसी का क्या हो सकता है भाई साहब? बेटा भी हो सकता है भाई साहब। सही है, लेकिन वो पुरुष भी तो होगा, वो पुरुष भी तो होगा भैया। दुनिया के जितने भी सन हैं वो भी तो हम पुरुष तो हैं ना, मेल तो हैं एक तरीके से, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पिता भी होंगे, और कुछ की शादी नहीं होगी तो वो पिता नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? के डायग्राम बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों? के डायग्राम बनेगा इसका। चलिए जल्दी से बनाएं, ये लीजिए। अब आएगा गोली की स्पीड से असली मजा, अब आएगा असली मजा एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक भी हैं? तो डॉक्टर और नर्तक, ठीक है, डॉक्टर और डॉक्टर, ये स्क्वायर जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। ठीक है, आयत जो है आपका, आयत तो है ही नहीं इसमें, चलो हटाओ, ये दो तीन क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीजिए। कौन सा भाग उन लिपिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्नातक हैं और सरकारी नौकरी में भी हैं? ठीक है, तीनों का कॉमन, लिपिक, स्नातक और सरकारी नौकरी में। क्या आंसर आएगा? एच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिस्तौल, बिंदु, आग्नेय, फायर आर्म्स। पिस्तौल, पिस्तौल, बिंदु, फायर आर्म्स। दोस्तों जल्दी बताइए, कुछ पुलिस भी तो अपराधी हो सकते हैं। बड़ा ज्ञान है आपको, आप तो लेके ही जा रहे हो भाई सीधे। हैं, चोर को तो 100% अपराधी बोलोगे, पुलिस को अपराधी आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, ऐसे होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है। चलो फिर तो घर में लालटेन भी रख लेते, फिर आप टेबल भी रख लेते, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, पिस्तौल, बिंदु और फायर आर्म्स। तो देखिएगा इस तरह दोस्तों, पिस्तौल बंदूक फायर आर्म्स में आएगी, पिस्टल हो चाहे गन हो, वो दोनों की दोनों किस में आएगी? फायर आर्म में आएगी दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, फायर करने के काम आती है। शार्क, वेल और कछुआ। दोस्तों सुन लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, ब्लू वेल, बहुत सारे लोग ब्लू वेल को वो सोचते हैं कि मछली तो है ही ना, वो भले से मैमल है पर वो मछली है। अकल के दुश्मनों, ब्लू वेल मछली नहीं है, ब्लू वेल को मछली की कैटेगरी में नहीं रखते, मछली नहीं है ब्लू वेल, मछली नहीं है ब्लू वेल। क्या है? स्तनधारी जानवर है, स्तनधारी जानवर है, क्योंकि वो अंडे नहीं देता, बच्चे देता है ब्लू वेल। ठीक है,
बहुत सारे लोग उसको मछली में बना देते हैं भाई साहब। तो देखिए शार्क, वेल और कछुए हैं, तीनों अलग अलग हो गए, आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा दोस्तों उड़ा दीजिए फटाफट से, नीली आंखों वाले महिलाएं और डॉक्टर, ठीक है। तो नीली आंखों वाली महिला भी हो सकती है कुछ, और कुछ जो है उनमें से डॉक्टर भी हो सकती हैं, और कुछ कुछ सब हो सकता है, ठीक है, कॉमन उसके अंदर। कीड़े, मक्खियां और कुत्ते, तो कीड़े इंसेक्ट में, फ्लाई किस में आएगी? इंसेक्ट में ही आती है। मक्खियां कीड़े मकोड़ों में आती हैं, और कुत्ते जो है अलग हो गए, आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। गौरैया, पक्षी और चूहे, उड़ा दो दोस्तों, गौरैया क्या है? पक्षी है, चूहा अलग हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, केवल एक ज्यामिति आकृति में मौजूद आकृति कौन कौन सी है? केवल एक ही ज्यामिति आकृति में होनी चाहिए, वो दो है, वो नौ है, वो एक है, ठीक है, एक दो और नौ, सिर्फ एक ही ज्यामिति आकृति में है। चलिए, मछलियां, सांप और पक्षी, मछलियां, सांप और पक्षी क्या बनेगा? मछलियां, सांप और पक्षी, मछलियां, सांप और पक्षी। तो देखिए इधर मछलियां अलग है, सांप अलग है, पक्षी अलग है, तीनों अलग अलग होगा। मधुमक्खी, कीट और मक्खी, इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाई, तो मधुमक्खी जो है ऑब्वियस ही बात है इंसेक्ट में आएगी, और मक्खी भी इंसेक्ट में आएगी, और मधुमक्खी एक प्रकार की मक्खी है क्या? मधुमक्खी अलग होती है, और घर में उड़ने वाली मक्खी जो होती है वो अलग होती है, पर वो दोनों होती हैं क्या है? इंसेक्ट ही होती है, वो दोनों की दोनों क्या होती हैं? इंसेक्ट होती हैं, कीट पतंगों में आते हैं। कीबोर्ड, फंक्शन, फंक्शन कीज एंड लेटर्स, कीबोर्ड में फंक्शन कीज भी होंगी, लेटर कीज भी होंगी। कीबोर्ड में क्या होंगी? फंक्शन की होंगी और लेटर की भी होंगी, फंक्शन की लेटर की तो नहीं होंगी ना, लेकिन डी ऑप्शन बन जाएगा। चलो, कितने खिलाड़ी न तो शिक्षक हैं न गायक हैं भैया? न तो शिक्षक, न टीचर, न गायक, यानी ये ट्राइंगल हट गया, ये आयत भी हट गया, तो बचा क्या है फिर? बचा क्या है भैया? ये बचा, ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है इसमें? सिर्फ 12 आ रहा है। चलो नेक्स्ट, व्रत जो है वो भ्रष्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, करप्ट, व्रत जो है भ्रष्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। त्रिभुज कवि को, त्रिभुज कवि को दर्शा रहा है। वर्ग विवाहित को दर्शा रहा है, वर्ग जो है विवाहित को दर्शा रहा है, और आयत, सॉरी, कवि को वर्ग, गड़बड़ कर दिया। पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर को व्रत दर्शा रहा है, भ्रष्ट को त्रिभुज दर्शा रहा है, करप्ट, ठीक है, करप्ट को ये दर्शा रहा है। अविवाहित लोगों को कौन दर्शा रहा है? विवाहित को तो आयत दर्शा रहा है, आयत दर्शा रहा है विवाहित, मैरिड, मैरिड पर्सन को, ठीक है। और पोइट कवि को वर्ग दर्शा रहा है। तो उसने पूछा ये है, अविवाहित पुलिस अधिकारी, ये तो विवाहित हैं, विवाहित लोगों की जरूरत नहीं, अविवाहित बोला, अविवाहित पुलिस अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र जो भ्रष्ट नहीं है, ये तो भ्रष्ट है, तो उसने बोला भ्रष्ट नहीं, यानी त्रिभुज भी हटा दिया, आयत भी हटा दिया, त्रिभुज और आयत दोनों हटा दिए, तो भाई साहब आपको बताना है, लेकिन कवि है, पुलिस अधिकारी जो कवि है, पुलिस अधिकारी जो कवि है परंतु अविवाहित है और करप्ट भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आएगा? 8, ये वाला, कवि, सर्किल और इस स्क्वायर का कॉमन तो यही है ना फिर। चलिएगा, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका में आएगा, और पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पूरा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए, डी ऑप्शन। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइजन, बायो प्रोडक्ट एंड फूड, पॉइजन, बायो प्रोडक्ट एंड फूड गाइस, पॉइजन, अरे पॉइजन जो होता है ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे जो
पॉइजन है आप सभी लोग जानते हो, वो खाद्य पदार्थों में यूज़ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से भी बहुत सारे पॉइजन विषैली औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। पॉइजन बायो प्रोडक्ट एंड फूड, जैव उत्पादक जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फूड हैं। और जो विष हैं, पॉइजन जो है दोस्तों, सोचने वाली बात है, जो पॉइजन है वो भी बायो प्रोडक्ट हो सकते हैं और वो एज अ भोजन के रूप में भी दोस्तों ले सकते हैं, ड्रग के रूप में। चलिएगा नेक्स्ट, फली बीज मटर और राजमा। मटर और राजमा दोनों ही क्या हैं, फली बीज होते हैं, हाँ दोनों क्या हैं, फली बीज ही हैं। चलिएगा नेक्स्ट, भोजन दही और चम्मच। भोजन दही और चम्मच, दही क्या आएगा, भोजन चम्मच क्या हो गया, अलग हो गया, कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन उड़ा दो। क्या अगले 10 मिनट में हम 50 प्रश्न कर सकते हैं क्या, 10 मिनट में 50 प्रश्न इस स्पीड से कर सकते हैं दोस्तों? सभी लोग थम्सअप करके बता दो एक बार, तुरंत प्रभाव से एक बार थम्सअप करके, और शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ में, फटाफट से एक बार शेयर कर दो ताकि सभी लोग आ जाएं। अगले 10 मिनट में हम लोग 50 प्रश्न कर सकते हैं क्या, उड़ा दें क्या इसको, ठीक है। फिजिशियन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और फिजिस्ट, ठीक है, तीनों अलग अलग प्रोफेशन है। चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक और भौतिक शास्त्री, तीनों क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है भाई साहब। समाज शिक्षक और छात्र, सोसाइटी टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सोसाइटी के अंतर्गत आ गए दोस्तों, उड़ा देंगे। गहने सोना और चांदी दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन गहने तो दोनों से ही बनते हैं ना, दोनों से ही बनते हैं, क्यों सही है नहीं है, सोना और चांदी दोनों से ही गहने बनेंगे, पर सारा सोना, अच्छा सॉरी, गहने किससे बनेंगे, सोने से और चांदी से, पर सोना और चांदी दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, ठीक है, तो सी ऑप्शन बनेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैनेजर लेबर यूनियन और वर्कर लेबर यूनियन जो है वो क्या है, वर्कर है, पर मैनेजर भी तो वर्कर है, अरे भाई मैनेजर भी क्या एक तरीके का वर्कर है, लेबर यूनियन भी क्या है, वर्कर ही तो है, नहीं, पर भाई साहब मैनेजर को एज अ वर्कर की कैटेगरी से अलग रखा जाएगा, सही है नहीं, लेबर यूनियन को वर्कर में रखा जाएगा, मैनेजर को अलग कर दिया जाएगा, सही है नहीं है इस हिसाब से, लेबर की यूनियन में कौन होगा, वर्कर ही तो होगा यार, लेबर की यूनियन में कौन होगा भाई, आप खुद सोच के देखो ना, लेबर की यूनियन है तो वो सारे के सारे क्या हैं, वर्कर हैं, तो 100% शोर है, तो आएगा ही आएगा। अब मैनेजर की बात अगर करें डायग्राम के हिसाब से, तो इसने मैनेजर को बिल्कुल अलग ले रखा है ना, क्या दिक्कत है, सही है, डी ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सरकारी कर्मचारी व्याख्याता और डॉक्टर। सरकारी कर्मचारी व्याख्याता, दुनिया के सारे लेक्चरर्स जो हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो ऐसा नहीं हो सकता, सही है, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट लेक्चरर हो ऐसा हो नहीं सकता, सारे डॉक्टर गवर्नमेंट जो हैं सर्वेंट हो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन, चलिए उड़ा दीजिए। बच्चे गंभीर और शरारती। चिल्ड्रन सीरियस और नॉटी। बच्चे सीरियस और नॉटी दोनों हो सकते हैं, बच्चे जो हैं सीरियस और नॉटी दोनों हो सकते हैं, पर बच्चे ही सीरियस हो सकते हैं या बच्चे ही नॉटी हो सकते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सारे ही हों, अपर ऑप्शन में नहीं दिया उसने, भाई बच्चे सीरियस भी हो सकते हैं, बच्चे नॉटी भी हो सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हों जो सीरियस और नॉटी एक दूसरे के मतलब अलग अलग हो गए, सीरियस गंभीर और शरारती, ठीक है, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो अपन बच्चों को ले सकते हैं नॉटी में, बच्चों को ले सकते हैं सीरियस बी। चलिए, दलहन चना दाल और मूंग की दाल। तो दलहन में लाल चना और मूंग की दाल दोनों ही आ जाएंगे दोस्तों, कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन, उड़ा दीजिए फटाफट से। तो यार इस टॉयस को करते हैं, चलो। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जल्दी बनाइए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति
और मतदान कर चुके व्यक्ति, तो जो व्यक्ति मतदान कर चुके हैं तो वो मतदाता सूची में तो है ही, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अलग हो गए क्योंकि वो मतदाता सूची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, दुनिया के जितने भी लड़के हैं वो पुरुष तो होंगे और उनमें से कुछ होंगे जो फुटबॉल खिलाड़ी भी होंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों? सी ऑप्शन बनेगा, उड़ा दीजिए फटाफट से, उड़ा दीजिए। चूना सीमेंट और ईंट, लाइम सीमेंट और ब्रिक, क्या बनने वाला है? चूना सीमेंट, कुछ ईंटें जो होती हैं ना सीमेंट की बनी होती हैं। ठीक है, सारी ईंटें तो नहीं होंगी पर कुछ ईंटें तो होंगी। देखो चूना सीमेंट और ईंट, इस हिसाब से अगर देखें तो इसने अलग ही ले लिया, मतलब देखा जाए तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, देखो देखो ये हो नहीं सकता, चूना सीमेंट हो नहीं सकता, सीमेंट की कुछ ईंटें जरूर हो सकती हैं, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएं ये भी नहीं हो सकता, सारी सीमेंटें ईंट की हों ये भी नहीं हो सकता, इसने यही लिया, तीनों को अलग अलग लिया है इसके हिसाब से, यानी उसने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी, उसने ईंट को भी अलग कर दिया, सीमेंट का अलग कर दिया, चूना अलग कर दिया। अभिनेता पशु और पक्षी, तो दोस्तों याद रखिएगा आखिर जो एक्टर है वो भी एनिमल है और जो पक्षी है वो भी एनिमल है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एक्टर एनिमल कैसे? ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जो एक्टर है वो भी तो ह्यूमन ही होगा, और तो कोई एक्टिंग करेगा नहीं। ठीक है, और करेगा भी तो भी क्या है, वो उसमें आएगा ही, पेड़ पौधे तो एक्टिंग करते नहीं है तो उसको अलग कर दिया। पक्षी, उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, अंडे देने वाले, उभयचर, सारे दुनिया के जितने भी जानवर होते हैं ना उन सबको अपन एनिमल बोलते हैं, पशु बोलते हैं, भाई साहब याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो पक्षी भी क्या एनिमल है, एक्टर भी इसके अंतर्गत आ गया, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए था, पर दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन जब नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन इसके जो आंसर आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोचें। पशु को पक्षी के अंतर्गत ले लिया, पशु को किसके अंदर ले लिया, पक्षी के अंतर्गत ले लिया है ना, देखिए इधर, मतलब दुनिया भी, दुनिया के जितने भी पक्षी हैं वो उसको पशु के अंतर्गत ले लिया, एनिमल में ले लिया। अब एक्टर का क्या करें, एक्टर बाहर निकाल देता या तो ये ऑप्शन होता, तो इन चारों में से ही ऑप्शन नहीं दे रखा है, चारों में ही ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए आप सही करके बना लीजिएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे इस तरीके से, चलिएगा। राज्य, देश और शहर, राज्य देश के अंदर होता है और शहर जो है वो राज्य में होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो कौन सा बनेगा भाई साहब? बी ऑप्शन। अभी किया था सम चतुर्भुज, किसके अंतर्गत आएंगे? चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत तो आएंगे, और वो सारे के सारे क्या हैं? बहुभुज हैं, उनमें एक से ज्यादा भुजाएं हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इतने बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले, ठीक है कर लेते हैं इसको। एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ भारती शाकाहारी थे, कुछ तो शाकाहारी थे, अन्य मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी थे अन्य मांसाहारी थे, और समूह में मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे। अच्छा, मांसाहारी तो हैं तो मांसाहारी में आएगा, तो सारे नहीं खाते, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर वो मछली नहीं खाते थे। अच्छा, ये मछली नहीं खाता था तो मांसाहारी में तो आ ही गया ना, तो क्या आपत्ति है भाई साहब? ठीक है, देखो इधर, कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ बाराती क्या थे? शाकाहारी, अन्य थे मांसाहारी, समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, मांसाहारी तो थे पर वो गोश्त नहीं खाते थे, कुछ और खाते होंगे, परंतु एक दूसरे समूह के जो हैं वो गोश्त खाते थे, एक दूसरे समूह के जो थे ना वो गोश्त खाते थे भाई साहब। तो देखिएगा इधर, शाकाहारी तो अलग ही कर दिया आपने, मांसाहारी में कुछ ऐसे थे जो गोश्त नहीं खाते थे और कुछ ऐसे थे जो मछली नहीं खाते थे, बाकी चीज़ें खाते थे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों ही खाते हों, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों खाते हों, सही है कि नहीं? इस तरीके का डायग्राम, पर फिलहाल उसने साफ साफ बोल दिया, उसने साफ साफ बोल दिया कि मांसाहारी समूह में तो हैं, मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, तो मांसाहारी में तो गिनेंगे उन लोगों को, ये मांसाहारी ये शाकाहारी, अब मांसाहारी में कुछ गोश्त खाने वाले कुछ मछली नहीं खाने वाले, ठीक है ये हो गया, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? बी ऑप्शन। अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक और अलोकप्रिय अध्यापक, तो ये अंग्रेजी अध्यापक, अब इस अंग्रेजी अध्यापकों में कुछ लोकप्रिय अध्यापक होंगे
और कुछ लोकप्रिय नहीं होंगे। वैसे तो बिल्कुल टच होना चाहिए था, पर इस हिसाब से क्या बनेगा, ये बने। अलोकप्रिय अध्यापक और लोकप्रिय अध्यापक दो अलग अलग कैटेगरी हो गई, और अंग्रेजी के टीचर दोनों में हो सकते हैं। पशु, सब्जी और आलू, आलू क्या है, सब्जी है, और पशु अलग हो जाएगा, ठीक है, कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला, बिल्ली, चूहा और प्राणी, बिल्ली चूहा और प्राणी, बिल्ली और चूहा दोनों ही क्या है दोस्तों, प्राणी में आ जाएंगे, उड़ा दीजिए। संगीतज्ञ, वादक और वीणा वादक, ठीक है, जो हार्पिस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट दुनिया के जितने भी होते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, पति पत्नी और परिवार, आपको समझा ही दिया, परिवार किससे बनता है, पति पत्नी से मिलकर परिवार बनता है। विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइंस। तो भैया याद रखिएगा एक चीज़, आपको मैं पहले ही बता दूँ, साइंस की दो दो होती है ना, साइंस की दो ब्रांचेज होती हैं, एक तो अपन क्या लेते हैं बायोलॉजी, और एक क्या लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बायोलॉजी तो नहीं हो सकती, लेकिन वो दोनों ही साइंस के पार्ट होगा। औरत, माँ और डॉक्टर, दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो औरत हैं, और उनमें से कुछ हैं जो डॉक्टर हैं। पशु, गाय और कुत्ते, गाय और कुत्ते दोनों ही क्या हैं, पशु हैं, उड़ा दीजिए फटाफट से। हाथी, मांसाहारी और चीता, चीता क्या है, मांसाहारी है, हाथी मांसाहारी नहीं है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। कोणार्क, मानसरोवर और भारत, बनाइए कोणार्क, मानसरोवर भारत के अंदर, दोनों में ही है, ठीक है, दोनों भारत में ही है। कोणार्क का सन टेंपल सुना होगा उड़ीसा में, मानसरोवर झील नहीं यार, मानसरोवर झील यार कैलाश मानसरोवर बाहर हो गया, नेपाल में हो गया, मतलब उधर हो गया ना वो तो, ठीक है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा दोस्तों, भाई साहब सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मानसरोवर कहाँ पर है, मानसरोवर कहाँ पर है, जल्दी बताओ, मानसरोवर कहाँ पर है भैया, मानसरोवर नहीं पता, मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर झील, तो कैलाश कहाँ पर है, इंडिया में थोड़ी है, है ना, ए बनेगा चाइना।